हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टॉपिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अ फोरियर सीरीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें देखिए दो टाइप का क्वेश्चन है और दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं। पहला है क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अ फोरियर सीरीज। इसमें हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फाइंड आउट करना है। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा और वो फंक्शन का आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अ फोरियर सीरीज फाइंड आउट करना है, जैसे कि हम लोगों ने फोरियर सीरीज में देखा हुआ है। और सेकेंड टाइम है ऑर्थोगोनलिटी एंड ऑर्थोनॉर्मलिटी चेक करनी है गिवन फंक्शन की, या फिर ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल है गिवन फंक्शन, को प्रूफ करना है हमें। ओके, तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अ फोरियर सीरीज। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उसका आपको बोला है फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अ फोरियर सीरीज फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अ फोरियर सीरीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या कौन कौन से टाइप्स हैं। जैसे हमने फोरियर सीरीज में देखा है अलग अलग क्लास इंटरवल दिए रहेंगे, उसके बेस पे आप क्वेश्चन के टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज में भी हमारे पास गिवन इंटरवल्स है और उसके बेस पे हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको क्लास इंटरवल अगर C प्लस 2L दिख रहा है तो आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, आपको फंक्शन ये यूज़ करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट समेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी एन इंटू ई रेस टू आई एन एक्स, जहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है सी एन का वैल्यू। आप सी एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये आपके पास फॉर्मूला है, इसके हेल्प से आपको सी एन का फॉर्मूला सी एन मिल जाएगा। और जो भी सी एन का वैल्यू है वो आप ये इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज मिल जाएगा। ये कब आपको यूज़ करना है, जब आपका लिमिट क्वेश्चन में C प्लस 2 पाए, वे सी इज एनी कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है। ओके, और इसके बाद देखिए लिमिट दिया हुआ है 0 टू 2L। यहाँ पे ज़ीरो रहना चाहिए और 2L, L मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, मतलब 0 टू सिर्फ 2 दिया हुआ है तो वो 0 टू 2πL का टाइप है, 0 टू 4 दिया हुआ है तो वो 0 टू 2L का टाइप है। ओके, फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो वो 0 टू 2L का टाइप है। तो जब आपने टाइप आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको ये फंक्शन है उसका वो आपको याद रखना है। इसमें भी सेम आपको सी एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए यहाँ पर हमने सी एन का जो भी रूल है फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सी एन का जो इक्वेशन है उसको लर्न करके रखना पड़ेगा हर एक लिमिट के लिए। अगर आपके पास ये इक्वेशन नहीं है तो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज को नहीं कर सकते। तो एज अ फॉर्मूला आपको हर एक लिमिट के लिए फॉर्मूला लर्न करके रखना है और सभी का अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सी एन फाइंड आउट करना है, सी एन का वैल्यू मिला और आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका गिवन फंक्शन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे टर्म दिख रहे हैं, सी एन दिख रहा है, ई रेस टू आई एन एक्स दिख रहा है, तो वो हम डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल लूँगा वहाँ पर, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0 टू 2π, 0 टू 2π मतलब आपको 0 टू 2π ही दिखना चाहिए, π 2π होना चाहिए, तो ही आप ये टाइप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 टू 2L में देखा, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, 0 टू 3, 0 टू 4, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 टू 2π होना चाहिए। अगर 0 टू 2π है तो आप ये टाइप यूज़ करेंगे, फंक्शन नहीं होगा आपका। ओके, तो आप देखिए हर एक उसमें डिफरेंस देखेंगे, आपको डिफरेंस ज़रूर दिख रहा है। ओके, तो मतलब आपका फॉर्मूला चेंज हो रहा है, मतलब आपको हर एक फॉर्मूले लर्न करके रखने पड़ेंगे। और देखिए यहाँ पे है माइनस एल टू एल इंटरवल दिया हुआ है, तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, वह सी एन, आपको सी एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, और जो सी एन का वैल्यू मिलेगा आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आपको फोरियर फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज मिल जाएगा। वैसे ही आपको माइनस पाई टू पाई है, और यहाँ पे देखिए एल टू एल, एल मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर हो सकता है, जैसे -2 2, -2 2 2, -3 2 3, -4 2 4, ये दोनों टर्म सेम होना चाहिए, एक माइनस और एक प्लस होना चाहिए। जब आपको ऐसे फॉर्म में मिलता है तो आपको माइनस एल टू एल का क्लास इंटरवल के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आपका फंक्शन हो जाएगा दिस, ये फंक्शन है
वेयर सी एन इज इक्वल टू दिस, ये आपके सी एन फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन हो जाएगा, और यहाँ पे आप सी एन फाइंड आउट करके ये फंक्शन में आप पुट कर देंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर माइनस एल टू एल मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट इंटरवल माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू है मतलब माइनस पाई टू पाई ही दिखना चाहिए, तो ही आप ये यूज़ कर सकते हैं। माइनस एल टू एल मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म हो सकता है, लेकिन माइनस पाई टू पाई में आपको माइनस पाई टू पाई ही दिखना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन में फंक्शन ये यूज़ करना है। और सी एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, सी एन का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज मिल जाएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज में सिर्फ उसका सीरीज फाइंड आउट करने के लिए बोला रहेगा, इसमें डिडक्शन के लिए डिड्यूस करने के लिए कोई भी क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ रहेगा। ओके, तो हम एग्जाम्पल लेने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स है, कुछ फॉर्मूलेस है वो देख लेते हैं। ओके, ये हमने पहले भी देखे हुए हैं। ई रेस टू आई थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई रेस टू माइनस आई साइन थीटा, सॉरी ई रेस टू माइनस आई थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। कॉस एच थीटा का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा बाई टू। वैसे ही कॉस साइन एच थीटा ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा बाई टू। कॉस थीटा ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा बाई टू। साइन थीटा ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा बाय टू आई। इसके बाद ट्रिग्नो के कुछ फॉर्मूलेज हैं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें ड्यूरिंग द एग्जाम्पल ये सारे फॉर्मूले दिखने वाले हैं। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंडाइसिस रूल है, ये भी हमें दिखेगा। ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल्स टू ए एम प्लस एन होता है। और इसके बाद कुछ ट्रिग्नो के वैल्यूज़ है, कॉस पाए माइनस वन होता है, कॉस एन पाए का वैल्यू होता है माइनस वन रेस टू एन, कॉस टू एन पाए इज इक्वल्स टू वन, साइन पाए ज़ीरो, साइन एन पाए ज़ीरो, साइन टू पाए टू एन पाए ज़ीरो। ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स का हमें पता है ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाता है तो हम ध्यान रखेंगे ई रेस टू ए एक्स इंटू वन बाई ए प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो ये जो अभी हमने देखे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो आप इसको ज़रूर लिख के रखिए और उसको लर्न करके रखिए। अगर ये सब फॉर्मूले आपके पास है तो आप बहुत ही इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए पहला एग्जांपल है यहाँ पे लिया हुआ मैंने, ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अ फूरियर सीरीज फॉर अ फंक्शन ई रेस टू ए एक्स इन अ क्लास इंटरवल माइनस एल टू एल। तो सबसे पहले देखिए हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है और क्लास इंटरवल माइनस एल टू एल दिया हुआ है। तो जैसे ही आपने क्लास इंटरवल देखा तो आपको ज़रूर टाइप आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या यूज दिख रहा है, माइनस एल टू एल है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, जीरो टू टू हो सकता, टू 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 हो सकता है, माइनस थ्री टू थ्री हो सकता है, एल की जगह कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है। तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं माइनस एल टू एल है। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है टाइप क्या है और वो टाइप के लिए फंक्शन क्या रहेगा, वो फंक्शन आप ज़रूर लिख लीजिए। तो अभी माइनस एल टू एल के लिए फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी एन इंटू ई रेस टू आई एन एक्स पाई बाय एल। ठीक है, एंड वेयर वेयर सी एन इज इक्वल्स टू वन बाय टू एल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू माइनस आई एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। ठीक है, तो देखिए और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है पर्टिकुलर टाइप के लिए वो लिख लेंगे, वो मैंने लिख लिया, और उसका सी एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सी एन के लिए भी हमें जनरल ये इक्वेशन है वो हमें लर्न करके रखना पड़ेगा, वो मैंने लिख लिए फॉर माइनस एल टू एल के लिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फंक्शन जो भी है हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन पुट करेंगे,
उसको इंटीग्रेट करेंगे और जो वैल्यू आएगा सीएन का हम ये फंक्शन में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर चाहिए तो आप इसे इक्वेशन नंबर वन दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो अभी हमारा गिवन फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ई रेस टू ए एक्स। तो अभी हम क्या करते हैं, सी एन इज इक्वल टू वन बाय टू एल। देखिए यहाँ पे एल का वैल्यू एल ही है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म आता तो जहाँ पे जहाँ जहाँ पे एल दिख रहा है तो सारे वो एल को हम लोग रिप्लेस कर देते थे पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म से। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में वो दिखा दूंगा आपको। फिलहाल यहाँ पे माइनस एल टू एल है, तो यहाँ पे मुझे एल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ई रेस टू ए एक्स लिख दिया है, ई रेस टू माइनस आई एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब एक्स इज़ अ वेरिएबल और जितने भी पूरे दूसरे टर्म दिख रहे हैं वो सारे कांस्टेंट टर्म हैं हमारे। ए इज़ ए कांस्टेंट, ई इज एक्सपोनेंशियल टर्म, आई इज़ ए कांस्टेंट टर्म, एन इज़ एनी नंबर, पाई इज़ 180, ठीक है, और एल इज़ एनी कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर देखिए अभी ई रेस टू ए एक्स इंटू ई रेस टू ए एक्स, तो यहाँ पे दोनों सेम एक्सपोनेंशियल टर्म हैं, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे यू इंटू वी का रूल हम लोग अप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडाइसिस रूल अप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन हमें पता है क्या होता है, ए रेस टू एम प्लस एन। तो यहाँ पर हम ये इंडाइसिस रूल अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, वन बाई टू एल माइनस एल टू एल। देखिए बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगा एम प्लस एन। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ए एक्स माइनस आई एन बाय एक्स बाय एल डी एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पे पावर में जो एक्स है कॉमन है, हम कॉमन ले सकते हैं, वन बाय टू पाई माइनस एल टू एल ई रेस टू ए माइनस आई एन पाई बाय एल एक्स। तो हमने एक्स यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो अभी हमारा देखिए इक्वेशन किस फॉर्म में दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स। तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा ई रेस टू ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू ए एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये जो एक्स के साथ जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म कॉन्स्टेंट टर्म, ये पूरा टर्म हम ए कंसिडर कर लेंगे ए, तो हमें क्या मिल जाएगा, वन बाई टू पाई, इंटीग्रेशन निकाल देते हैं ई रेस टू एक्स, ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई रेस टू ए एक्स इंटू वन बाई ए। ए क्या है हमारा, ए माइनस आई एन पाई बाय एल। ठीक है, ये हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट अभी हम पुट कर देंगे और हमारा सी एन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन हमने निकाल दिया, अभी ये जो टर्म है ये पूरा कॉन्स्टेंट टर्म है, हम उसे इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर को हम लोग रेसिप्रोकल करके उसे बाहर ले लेंगे। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, वन बाई टू पाई ऑलरेडी बाहर कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एल अपॉन ए एल माइनस आई एन पाई। क्या किया मैंने, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए एल मिल जाएगा अपॉन एल, एल रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पे पहले अपर लिमिट एल पुट कर देंगे, फिर एल के जगह पे एक्स के जगह पे हम लोअर लिमिट माइनस एक्स पुट कर देंगे, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, ए माइनस आई, इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें ये कैंसिल करने के लिए हेल्प मिल जाएगा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ए एल अपॉन एल, हम एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट एल, तो ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस एल ए माइनस आई एन पाई बाय एल, अभी एल के जगह पे हमने लोअर लिमिट माइनस एल पुट कर दिया। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा, ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, तो वन बाय टू पाई एल ए एल माइनस आई एन पाई, दो कॉन्स्टेंट टर्म है। यहाँ पर देखिए ई रेस टू ए एल माइनस आई एन पाई माइनस, ये माइनस का साइन ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए एल माइनस प्लस माइनस 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 प्लस आई एन
पाई। ठीक है, तो अभी देखिए हमें ये मिल गया है। अभी हम यहाँ पर फिर से इंडाइसेस रूल अप्लाई कर देंगे। हमने अभी ऊपर यहाँ पर इंडाइसेस रूल देखा, तो अभी हमें ये फॉर्म में दिख रहा है, इसे हम ये फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इरेज टू एम प्लस एन के फॉर्म में दिख रहा है, इरेज टू एम प्लस एन, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय पाए एल ए एल माइनस आई एन पाए ई रेस टू ये एम इंटू ई रेस टू माइनस आई एन पाए माइनस ई रेस टू माइनस ए एल इंटू माइन ई रेस टू आई एन पाए। तो हमने इंडाइसेस रूल अप्लाई कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसके बाद स्टार्टिंग में हमने देखा था ई रेस टू आई थीटा मैंने लिखा था, क्या था, कॉस आई थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, थीटा क्या है हमारा, ई रेस टू माइनस आई एन पाए, तो ये हमें क्या दे देगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कॉस एन पाए माइनस आई साइन एन पाए, पाई मतलब, ठीक है, और ये ई रेज टू आई एन पाए में क्या देगा, कॉस एन पाए प्लस आई साइन एन पाए। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कॉस एन पाई का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन रेज टू एन, और साइन एन पाई ये ज़ीरो होता है, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर ई रेज टू एन पाई का कॉस एन पाई का वैल्यू माइनस और ये टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब ई रेज टू माइनस आई एन पाई के जगह पे हम माइनस एन पाई लिख देंगे और ई रेज टू आई एन पाई के जगह पे ये लिख देंगे। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमने ये जो वैल्यू फाइंड आउट किया है वो पुट कर देंगे। देखिए आपको ये स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेप दिखाए हुए हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, वन बाय टू पाए एल अपॉन ए एल माइनस आई एन पाई, ठीक है, इंटू ई रेज टू ए एल, यहाँ पे माइनस वन रेज टू एन ई रेज टू माइनस ए एल इंटू माइनस रेज टू एन, यहाँ पे और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था, वो माइनस वन रेज टू एन दोनों टर्म के पास है, हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस वन रेज टू एन इंटू एल अपॉन टू पाए ए एल माइनस आई एन पाए। ओके, और हमें यहाँ पे मिल गया ई रेस टू ए एल माइनस ई रेस टू ए एल। अगर हम ये टू को यहाँ पर ले लेते हैं तो हमें फॉर्मूला बन जाएगा, हाइपरबोलिक फॉर्म में उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, तो हमने टू क्या किया, माइनस वन रेस टू एन एल, टू यहाँ से हमने अंदर शिफ्ट कर दिया, पाई ए एल माइनस आई एन पाई इंटू ई रेस टू ए एल माइनस ई रेस टू माइनस ए एल अपॉन टू। तो अभी हम देखेंगे, अभी हमें ये फॉर्मूले के फॉर्म में देखे, अभी हमने देखा था ई रेस टू साइन एच थीटा इज इक्वल्स टू ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा बाई टू होता है। तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या है, ए एल, तो हमें क्या मिल जाएगा, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन एच ए एल बाय पाए ए एल माइनस आई एन पाए। तो ये हमें सी एन का वैल्यू मिल गया। देखिए अभी हम ये सी एन का वैल्यू, हमारे जो गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल टू एल समेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी एन इंटू ई रेज टू आई एन पाई एक्स बाय एल।
तो अभी हम ये सी एन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा समीशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस वन रेज टू एन एल साइन एच ए एल पाई ए एल माइनस आई एन पाई इंटू इस टर्म रेज टू आई एन पाई एक्स बाय एल। ठीक है, तो ये हमारा फोरियर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अ फोरियर सीरीज ऑफ फॉर अ फंक्शन ई रेज टू ए एक्स एट अ गिवन इंटरवल माइनस एल टू एल देखा। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इससे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको मैं ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। अभी हमने माइनस एल टू एल देखा, तो सेम यहाँ पर मैं सेम टाइप के ही एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एच टू एक्स प्लस साइन एच टू एक्स इन इंटरवल। देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ माइनस टू 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 माइनस टू टू टू, तो यहाँ पे अभी हमारा जो टाइप है माइनस एल टू एल का टाइप है। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, एल की जगह पे कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म हो सकते हैं, तो ये टू और टू एल है, तो हमारा सेम टाइप है माइनस एल टू एल का ही है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, हमारा जो फंक्शन जो दिया हुआ है वो लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी एन इंटू ई रेस टू आई एन पाई एक्स बाय एल वेयर सी एन इज इक्वल्स टू सी एन इज इक्वल्स टू वॉट माइनस एल टू एल वन बाय टू एल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू माइनस आई एन बाय एक्स बाय एल डी एक्स। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा जो लिमिट है माइनस एल टू एल के जगह पे माइनस टू 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 है, इसका मतलब अभी हम एल के जगह पे टू पुट करने वाले हैं। जहाँ जहाँ पर आपको ये पूरे फंक्शन में एल दिख रहा है आप एल के जगह पे टू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, ये एल है हमारा, तो माइनस एल है, तो ऐसा कुछ जहाँ पे माइनस का साइन है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, सिर्फ हमें एल के जगह पे टू पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी एन फाइंड आउट करते हैं। सी एन इज इक्वल्स टू व्हाट, देखिए यहाँ पर एल है तो यहाँ पे वन बाई टू टू फोर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस टू 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 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन क्या दिया है, सबसे पहले हम ये फंक्शन लिख देते हैं कॉस एच टू एक्स प्लस साइन एच टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस आई एन पाई एक्स बाय एल, एल की जगह पे हम टू पुट कर देंगे डी एक्स। ओके, अभी हम इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और फिर सी एन का वैल्यू हमें मिल जाएगा लिमिट पुट करने के बाद। तो देखिए, आप हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज कर रहे हैं तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो अभी ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये भी हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो हम हाइपरबोलिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कॉस एच थीटा और साइन एच थीटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताया हुआ है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। मैं लिख देता हूँ एक स्टेप में, कॉस एच टू थीटा इज इक्वल्स टू सिर्फ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा बाई टू होता है एंड साइन एच थीटा इज इक्वल्स टू ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा बाई टू होता है। ठीक है, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे टू एच इज थीटा, टू एक्स इज थीटा। तो अभी देखिए हमारा क्या हो जाएगा, वन बाई फोर माइनस टू 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 ई रेस टू टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस टू एक्स बाई टू प्लस ई रेस टू टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स बाई टू इंटू ई रेस टू माइनस आई एन पाई एक्स बाय
एल के जगह पे हमने टू लिख दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्टली न्यूमिनेटर को ऐड कर सकते हैं और ये जो टू कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे। तो ये हमें बाहर 1/8 मिल जाएगा, माइनस टू 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 ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x, बीच में प्लस का साइन है, ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x इंटू ई रेस टू माइनस आई एन पाई एक्स बाय टू। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव सेम है, वो कैंसिल हो गए हैं। यहाँ पे ई रेस टू 2x, ई रेस टू 2x, 2e2x हो जाएंगे और 2e2x हो गया। और यहाँ पर देखिए ई रेस टू माइनस एन पाई एक्स बाय टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फिर से दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिल चुके हैं, ये टू कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। फिर से यहाँ पर हम ये दोनों में इंडाइसेस रूल अप्लाई कर देंगे, तो ये 1/2 बाहर चला गया है कॉन्स्टेंट ऑफ माइनस टू टू टू। यहाँ पर हम इंडाइसेस रूल अप्लाई कर रहे हैं, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन होता है। तो यहाँ पे ई रेस टू 2x, यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस आ जा रहा है, एन बाय एक्स बाय टू, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए पावर में जो x है वो कॉन्स्टेंट वेरिएबल कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा ई रेस टू टू माइनस आई एन पाई बाय टू एक्स, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस टू 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 ई रेस टू फोर माइनस आई एन पाई बाय टू एक्स। तो अभी हमारा ई रेस टू ए एक्स के फॉर्म में आ गया है ये टर्म, अभी हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था ई रेस टू ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पर पहले मैं ये फिर से ये टर्म लिख लेता हूँ, वन बाई फोर माइनस टू 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 ई रेस टू फोर माइनस आई एन पाई बाय टू टू एक्स, ठीक है। अभी हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, ई रेस टू ए ये पूरा टर्म ए है, तो हमें मिल जाएगा 1/4 ई रेस टू ए एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स होता है इनटू कांस्टेंट टर्म फोर आई एन पाई बाय टू। ये हमने ई रेस टू ए एक्स का इंटीग्रेशन लिख दिया, ओके। तो अभी ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे और ये हमारा जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है हम वेरिएबल एक्स के जगह पे पुट कर देंगे। तो ये हमारा 1/4 ये टू न्यूमरेटर में चला जाएगा और फोर माइनस आई एन पाई। अभी हम एक्स के जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे, ई रेस टू फोर माइनस आई एन पाई बाय टू इंटू टू, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा और सेम यहाँ पर भी माइनस आई एन पाई बाय टू इंटू माइनस टू, ठीक है। देखिए इसमें हर एक टाइप में ऑलमोस्ट टाइप्स स्टेप सेम होते हैं, जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे से हमारा टाइप सेम होते चला जाएगा। तो ये हमारा स्टेप आगे अभी रिपीट हो रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप आई एन पाई अगर आपने एक दो क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो ये इस टाइप को बहुत इजीली आप समझ सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। ई रेस टू आई यहाँ पर यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक किया हुआ लग रहा है, ये दोनों माइनस के साइन दिख रहे हैं, एक जगह प्लस होना चाहिए एक जगह माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट माइनस है, तो हमने एक्स की जगह माइनस पुट किया,
ये 2 2 कैंसिल हो, लेकिन माइनस का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ओके तो अभी देखिए, अभी फिर से हम इसे इंडाइसिस रूल अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ई रेस टू 4 इंटू ई रेस टू माइनस आई एन पाई, और यहाँ पर माइनस ई रेस टू 4 इंटू ई रेस टू प्लस आई एन पाई। ठीक है, तो अभी देखिए हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था ई रेस टू माइनस एन पाई या फिर प्लस पाई है तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस एन पाई, अगर प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, आई साइन एन पाई। तो यहाँ पर हमें कॉस एन पाई का वैल्यू माइनस वन रेस टू एन मिलता है और प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा ये टर्म का भी वैल्यू वन माइनस माइनस वन रेस टू एन और ये वैल्यू का भी हमें माइनस वन रेस टू एन मिल जाएगा। यहाँ पे हम ये यूज़ कर लेते हैं फोर माइनस आई एन पाई, तो देखिए ई रेस टू फोर माइनस वन रेस टू एन ई रेस टू माइनस फोर, इसका वैल्यू माइनस वन रेस टू एन लिख दिया हमने। ये दोनों टर्म के पास माइनस वन रेस टू एन कॉमन है, उसे बाहर ले लेंगे, ये टू को हम अंदर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस वन रेस टू एन अपॉन फोर माइनस एन पाए, और ये ई रेस टू फोर माइनस ई रेस टू माइनस फोर बाय टू। इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये इसको हाइपरबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, साइन एच फोर आई एन पाए, ये हमें क्या मिल जाएगा, साइन एच फोर। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, सी एन। तो अभी हमें सी एन का वैल्यू मिल गया। अब इसे फंक्शन, हमारा फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी एन इंटू ई रेस टू आई एन पाई एक्स बाय एल। तो यहाँ पे हम सी एन का वैल्यू पुट कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी एन के जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया अपॉन फोर माइनस आई एन पाई इंटू ई रेस टू आई एन पाई एक्स बाय एल। ठीक है, तो ये हमारा फोरियर सीरीज मिल गया फॉर अ गिवन कंडीशन। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या था, कॉस एच एक्स प्लस साइन एच एक्स, और लिमिट हमारा माइनस टू टू ट्वेल्व था। ये हमें आंसर मिल गया। ओके तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आप अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको एक स्टेप और इसके नीचे दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर का जो टर्म दिख रहा है माइनस फोर माइनस आई पाई एक्स, उसको हमने रैशनलाइज किया हुआ है। अगर आप वो स्टेप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके कॉलेज में अगर उसको स्टेप को फॉलो किया है तो आप ज़रूर उसको फॉलो करिए और उसको कंप्लीट करिए। ओके तो इस पे ही बेस्ड हम एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। अभी हम दूसरे टाइप का एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स इन अ इंटरवल 0 टू ए। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए हमारा इंटरवल क्या दिख रहा है, 0 टू ए, ए इज एनी कॉन्स्टेंट टर्म, तो आपको 0 टू एल या फिर 0 टू 12 देखना है अगर हमारे पास लिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास 0 टू 12 के फॉर्म में दिख रहा हुआ लिमिट है, तो ये हमारा 0 टू 12 का लिमिट का टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन सा टाइप का फंक्शन है हमारा, 0 टू एल, दिस इज 0 दिस इज एल, एल मतलब एनी कॉन्स्टेंट नंबर, यहाँ पे एल ए इज एनी कॉन्स्टेंट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके पहले हमने देखा माइनस एल टू एल, फिर हमने माइनस टू 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 एल मतलब एल टू एल ही देखा था। अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं 0 टू ए मतलब 0 टू 12।
तो अभी 0 टू 2l के फॉर्म में है, तो सबसे पहले उसका फंक्शन क्या लिख दीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू l, 2l समेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी एन इज टू माइन आई एन पाई एक्स बाय l, ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया वेयर सी एन इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 l 0 टू 2 l f ऑफ x इंटू इज टू माइनस आई एन बाय एक्स बाय l, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम वेयर ध्यान दिए, ये बात पे जरूर ध्यान रखें, तो आपका मिस्टेक होने के चांसेस है। अभी हमारा लिमिट क्या है, 0 टू 2 l हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेयर 2 l इज इक्वल्स टू a, वेयर 2 l इज इक्वल्स टू a, देयरफोर l इज इक्वल्स टू a बाई 2। मतलब आपको फंक्शन में जहाँ पे 2l दिख रहा है आप उसकी जगह पे 2 a पुट कर देंगे, और जहाँ पे l दिख रहा है l का वैल्यू a बाई 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम cn फाइंड आउट करते हैं, cn इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन 2l के जगह पे हम a पुट कर देंगे, 0 टू 2l के जगह पे हम a रख देंगे, फंक्शन क्या है हमारा e रेज टू ax इंटू e रेज टू माइनस आई एन पाई एक्स बाय एल, एल के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं ए बाई टू, तो ए बाई टू टू बाय ए हो जाएगा, तो हमारा टू ऊपर चला जाएगा, ओके। और ये डी एक्स, तो देखिए ये भी हमें ये प्रीवियस एग्जांपल के टाइप में ही दिख रहा है, तो बहुत ही ये स्टेप कॉमन हो जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडाइसिस रूल अप्लाई करेंगे, ए रेज टू ए एक्स माइनस आई एन पाई टू एक्स बाय ए, ठीक है, वेयर एक्स इज अ कॉमन टर्म, तो हम कॉमन ले लेते हैं, वन बाय ए जीरो टू ए रेज टू ए माइनस आई एन पाई टू एक्स, सॉरी एक्स हमने कॉमन ले लिया हुआ, ठीक है। तो अभी e रेस टू x, e रेस टू x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, 1 बाय ए जीरो टू ए रेस टू ए एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू ए एक्स बाय ए, ए इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, ये पूरा टर्म कॉन्स्टेंट टर्म है, a माइनस आई एन पाई बाय ए, तो ये हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया। तो जैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं आप इंटीग्रेशन का साइन ज़रूर हटाइए, ओके। तो अभी हम लिमिट पुट कर देंगे, देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो हमें 1 बाय ए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये हमें ए ऊपर चला जाएगा, और ये ए ए इंटू ए ए स्क्वायर माइनस आई एन पाई टू। और अभी हम यहाँ पे एक्स के जगह पे एक बार अपर लिमिट ए पुट करेंगे, लोअर लिमिट ज़ीरो पुट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा ये ए ए मल्टीप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस आई एन आई टू बाय ए, एक्स के जगह पे हमने अपर लिमिट ए पुट कर दिया, अभी हम ए के जगह पे लोअर लिमिट ज़ीरो पुट कर देंगे। तो अभी ए के जगह पे आप जीरो, एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करोगे तो ज़ीरो इंटू एनी टर्म, पूरा टर्म ये ज़ीरो हो जाएगा, ओके। तो ए एनी नंबर इज टू ज़ीरो का वैल्यू वन होता है, इसका वैल्यू हमें वन मिल जाएगा। यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो गया, वन बाय ए स्क्वायर माइनस आई एन टू पाई, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, e रेज टू ए स्क्वायर इंडाइसिस रूल अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर, इंटू e रेज टू माइनस आई एन टू पाई, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। तो अभी देखिए इसका वैल्यू हमें पता है, रेज टू माइनस आई एन टू पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस टू एन पाई माइनस आई साइन टू एन पाई, तो कॉस टू इंटू एनी नंबर, तो कॉस टू एन पाई का वैल्यू हमें पता है वन होता है, और इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, तो रेज टू माइनस आई एन टू पाई का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, वन, तो जो कि हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फॉर्मूले में। तो
तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, देखिए ये आपको स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ये वन अपॉन ए का स्क्वायर माइनस आई एन टू पाई इंटू ई रेस टू ए स्क्वायर, इसका वैल्यू हमने वन लिख दिया, तो वन दिखाने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर, माइनस वन, ये हमें सी एन का वैल्यू मिल गया है। ओके, तो अभी हम ये सी एन का वैल्यू गिवन फंक्शन में हम पुट कर देंगे, तो हमारा गिवन फंक्शन, व्हाट इज गिवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी एन इंटू ई रेस टू आई एन एक्स बाय एल, एल मतलब हमें एल के जगह पे क्या लिखना है, ए बाय टू लिखना है, ए बाय टू, तो ये टू न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी एन की जगह पे हम पूरा फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन क्या हमारा ई रेस टू ए का स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए का स्क्वायर माइनस आई एन टू पाए और दिस टर्म इंटू ई रेस टू आई एन पाए, टू ऊपर आ गया, टू पाए एक्स बाय ए। तो ये हमारा गिवन फोरियर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज मिल गया हमें, गिवन फंक्शन और गिवन लिमिट के लिए। ओके, तो आप और भी क्वेश्चन ट्राई करिए, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को ट्राई करिए, अगर आपको कुछ भी इशू है तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मुझे मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।